भद्रकाल की माया है ये। ना कोई सोच सके, ना कोई समझ सके। एक तरफ विक्रम तो दूसरी तरफ विश्व पुरुष, दिखने में दोनों एक समान, कोई भी अंतर नहीं। कर लो कर लो, जितना प्रयास करना है कर लो। किंतु ये जान ही नहीं पाओगे कि वास्तव में विक्रम है कौन। हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे संसार में एक ही सम्राट विक्रमादित्य हैं और हम उन्हें भी पहचान नहीं पा रहे हैं। पर अमीर जी, कल नवरत्न सभा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यक्ति हमारे महाराज का रूप धारण कर सकता है वो एक रात में कितना अनर्थ कर सकता है। इसलिए इस समस्या का समाधान हमें आज ही ढूंढना होगा। किंतु वर अमीर जी, हम ये सब करेंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है और इसीलिए मैंने अपने एक विशेष मित्र को यहाँ पर बुलाया। कहिए वराहमिहिर जी, ग्रहों और नक्षत्रों के ज्ञाता ने आज इस छोटी सी चिड़िया को यहाँ पर क्यों बुलाया है? विपश्यना, हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हमारे समक्ष एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल तुम्हारे पास। कौन हो तुम? तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ हमारे सिंहासन पर बैठने का? दुस्साहसी तो तुम हो जो हमारा रूप धरकर हमारे दरबार में आ गए। हमारी अनुपस्थिति में ये बहुरूपिया यहाँ का राजा कैसे बन गया? इसका उत्तर वराह मिहिर जी नहीं, तुम्हें हम देंगे बहुरूपिये। रुकिए, बस इतनी सी बात। विपाशना आ गई है, समझिए आपकी सारी समस्या हल हो गई। इस पूरे संसार में केवल हमारे सम्राट विक्रमादित्य हैं जो पक्षियों की बोली को पहचानते हैं। अब ये साफ हो जाएगा कि बहुरूपिया कौन है और वास्तविक सम्राट कौन। इनका भेद हम सबको ज्ञात हो जाएगा। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था राज में इतनी बड़ी समस्या हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार भेद खोले हम उस बहुरूपिये का। पक्षी किस संकट की बात कर रही है? हमें देखना होगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मैं विश्व पुरुष हूं।